नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं महासंग्राम, और महासंग्राम में आज हम बात करेंगे कि किस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर सियासी सरगर्मियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको दिखाएंगे कि लोकसभा चुनावों को लेकर पूरी तरह से सियासत किस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर गरमाई हुई है, और अलग अलग पार्टियां अपना तर्क किस तरह से यहां पर दे रही है। तो इस वक्त बड़ी अपडेट आपके सामने, क्योंकि मुकम्मल तरीके से इस पर बात करना, चर्चा करना बहुत जरूरी है। प्रदेश भाजपा से भाजपा संघ के नेताओं ने बैठकें की हैं, और इन बैठकों के दौर में लोकसभा स्थानीय चुनावों की तैयारियों की समीक्षा हुई है, और समीक्षा करने के बाद ही किस तरह से हालात रहेंगे ये देखने वाली बात, क्योंकि जम्मू कश्मीर में संगठन की तैयारियों का रिव्यू लिया गया है, और यहां पर रिव्यू जो लिया गया है उसमें जम्मू कश्मीर भी शामिल है। तो प्रदेश भाजपा से किस तरह से यहाँ पर आप देखिए अटकलें जरूर लगाई जा रही है, लेकिन अब ऑपोजिशन भी पूरी तरह से कटाक्ष कर रही है, हमलावर हो गई है कि किस तरह से चुनावों को मद्देनजर रखते हुए जम्मू कश्मीर के अंदर काम चल रहा है। लोकसभा के चुनावों को लेकर अगर बात की जाए तो मुकम्मल तरीके से सरगर्मियां देखी जा रही है, लेकिन हर कोई ये कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अगर लोकसभा के चुनाव करवाती है तो अपना फ्लोर टेस्ट भी यहाँ पर कराएगी कि आखिर कितनी सीटें भाजपा के पाले में जाएंगी, और उसके बाद ही विधानसभा चुनाव जो है वो यहाँ पर हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी तक विधानसभा चुनावों को लेकर कोई बात तो नहीं की गई है। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में किस तरह से लोकसभा के चुनाव होते हैं और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपनी पैच यहाँ पर बनाती है। चलिए पैनल की ओर बढ़ जाएंगे। इस वक्त हमारे साथ फॉर्मर MLC हैं, DAP पार्टी से हैं, अशोक शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। यासिर खान जी हैं अपनी पार्टी से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। रविंदर शर्मा हमारे साथ हैं, चीफ स्पोक्स पर्सन कांग्रेस पार्टी से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। और फॉर्मर MLA हैं हमारे साथ BJP पार्टी से, RS पठानिया जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। तो फिलहाल इस वक्त रविंदर शर्मा जी, मैं आप ही के पास आऊंगी, क्योंकि ऑपोजिशन पूरी तरह से आप देखिए पहले हमलावर भी है, लेकिन लोकसभा के चुनावों को लेकर जो जम्मू कश्मीर के अंदर सरगर्मियां इस वक्त बढ़ती जा रही हैं, किस तरह से देख रही है कांग्रेस पार्टी? देखिए BJP घबराहट में है, बस बेचैन है, क्योंकि जम्मू कश्मीर को लेकर के BJP घबराहट में होना जायज है। और देश भर में भी जो स्थिति बनती जा रही है, भारत जोड़ो यात्रा के बाद कर्नाटका का चुनाव हुआ, हर हथकंडा अपनाने के बावजूद इनको कुछ हासिल नहीं हुआ। अब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान की बारी है, और वहां भी इनकी कोई उम्मीद नहीं, हरियाणा में भी ये लूज करने वाले हैं। इसलिए जम्मू कश्मीर में तो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ बहुत बड़ा जुल्म कर रही है भारतीय जनता पार्टी, कि उन्होंने एक तो हमारा रियासत का दर्जा, हमारा अस्तित्व मिटा दिया, हमारे अधिकार मिटाए, और सबसे बड़ा अधिकार के लोकतंत्र का अधिकार देने को तैयार नहीं है, जहां असेंबली का चुनाव करवाने से घबरा रहे। ये सीधी सी घबराहट, और उस हड़बड़ाहट और घबराहट में कई किस्म के संगठनात्मक दूसरी तीसरी बदलाव करने को तैयार है, जो हमें सुनने में आता है, लेकिन कोई चीज भाजपा को बचा नहीं पाएगी। अब एक आंधी और तूफान है कि लोग बदलाव चाहते हैं, और जम्मू कश्मीर में तो खास करके कि अब कोई कसर बाकी नहीं बची है। यहाँ तक के वृद्ध लोग, 90-90 साल के लोग सड़कों पर निकल आए हैं, और उन लाखों लोगों को पेंशनें इन्होंने, चाहे अपाहिज हो, फिजिकली चैलेंज्ड, जिनको हम कहते हैं बुजुर्ग लोग हों, विधवा माताएं बहने हों, इस तरह के लोग जो जिनके लिए सबसे पहले सरकार का दायित्व बनता है, आज वो लोग सड़कों पे हैं, परेशान है। इस गर्मी में मैंने देखा वीडियो के मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से पता चलता है कितना बड़ा रोष है। इस रोष से घबरा के मुलाजम है उसको गुलाम बना दिया है, वो आज अपनी बीवी से भी बात करते डरता है कि कहीं सरकार को पता ना लग जाए, व्हाट्सएप पे तो लिखना दूर की बात होगी। और उसके बाद जो अनएम्प्लॉयड है, एजुकेटर, PhD, MPhil, नेट सेलेक्ट करके बच्चे बैठे हैं, जो लिस्टें निकली वो कैंसिल हो गई, जो वादे किए वो दुबले निकले, और आर्थिक तौर पे भी लोगों को जो है उसके बाद एक टैक्स। रविंदर जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर सिर्फ और सिर्फ बौखलाहट देखने को मिल रही है, जिस तरह से काम वो कर रही है। ऐसा सबसे पहले तो जितने भी फेलो पैनलिस्ट हैं, सभी को मेरी ओर से नमस्कार, प्रणाम, आदाब। रविंदर जी ने बात की थी, मैं उसके बताऊं कि अभी पहले सबसे मोमेंटस जिसे कहते हैं, जो आर्थिक मोड इस जम्मू कश्मीर को लेकर पिछले दिनों में जो देखने आया है, 370 के साथ जितनी भी कनेक्टेड मिट्टी लिस्ट किया है। लकीली वी आर लकीली कि दो बड़े सीनियर लॉयर्स आज मैंने मेंबर करने के बड़े चिन्ह उनको एक सलाह की, अल्टीमेटली वही किया उन्होंने कि कोर्ट में अगर किसी केस को लिस्ट करना हो तो उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस या ट्विटर पे कोई इतना बड़ा को बहुत नहीं प्रेरित किया जाता, उसके लिए
जो तरीका है कि वहां का जो कोर्ट का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, जम्मू कश्मीर में अगर जम्मू कश्मीर के मुख्य न्यायाधीश हैं और दिल्ली में जो मुख्य न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है उनके सामने किया जाता है, क्या हमने मेंशन किया है कि आखिरकार उन्होंने एक तारीख तय की है और उस तारीख में जितने भी ये कलेक्टेड बैच ऑफ पिटीशन है वो डिसाइड किए थे। इस बैच ऑफ पिटीशंस पे बड़ा एक संशय, एक बड़ा एक कहते हैं एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मेरा बड़ा स्पष्ट इसमें मानना है कि धारा 370 उस वक्त जब हमारे देश की कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वहां पर बैठी थी, सिर्फ नेहरू जी ने शेख अब्दुल्ला के कहने पे जल्दी से बिना पर्याप्त डिस्कशन के और जिसे कहते हैं एक पिछले दरवाजे से लाने की कोशिश की, लेकिन भारत के जो सभी मंत्री हैं बी आर अम्बेडकर उसी के साथ साथ जो भारत के उस वक्त के गृह मंत्री सरदार पटेल, मुल्ला हसन कोहनी जो उत्तर प्रदेश के एमपी थे बड़े एक जिसे कहते हैं एक एक शायर और जिसे कहते हैं पारदर्शी थे, उन्हें अपोज किया और नेहरू जी ने उसी वक्त कहा कि जो धारा 370 है टेम्पररी रहेगा। धारा 370 का आपको टाइटल भी अगर आप देखें तो लिखा है टेम्पररी टेम्पररी, जिसे कहते हैं स्टेटस विद रिगार्ड टू स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो अब एक नया आर्गुमेंट डिवाइस आउट करने के जा रही है कि जब तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी तो पहले तो ये टेम्पररी था, दूसरा ठीक है इसका कॉन्सेंसस। आप नेहरू जी टेम्पररी क्यों बोले, नहीं क्यों बोले कि इसको जाना चाहिए, या नरसिम्हा राव जी 90s में क्यों बोले कि ठीक हर पॉलिटिकल पार्टी का इस पे कॉन्सेंसस। अशोक जी और तो और वो तो 5-10-2019 को इस काम के सिर्फ मोदी सरकार में ही दम था, लेकिन पहले जिसे कहते हैं जम्मू कश्मीर तो भारत के साथ एकीकरण इसकी प्रक्रिया 1950 के बाद ही शुरू हो गई थी, ठीक है वोट 1950 इलेक्शन में कमीशन ऑफ प्रक्रिया इंडियन शुरू हो चुकी थी। अशोक जी ठीक है, पठानिया जी जम्मू कश्मीर में आ चुकी, और जो मेजर जो कानून जम्मू कश्मीर में एप्लीकेबल थे मैंने पहले भी कहा था, मेरी डॉक्यूमेंट दिया जिसमें कहा कि 97 से 94 जो एंट्रीज हैं यूनियन की कश्मीर में एप्लीकेबल थी आम 5-10-2, 47 में से 22 नोटिफिकेशन कॉन्करेंट लिस्ट की एंट्री जम्मू कश्मीर, तो एक एक वर्षन और एक नैरेटिव कम से कम ध्वस्त है और ये नैरेटिव फाइनल जिसे कहते हैं ध्वस्त हो गया है, जो और मुझे नैरेटिव लगता है यहाँ कि पर बनाने की सुप्रीम कोशिश हो रही है। ठीक है कोर्ट पठानिया जी, हाँ अशोक जी, जी अशोक अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम माजी में जाते हैं तो मुस्तकबिल का भी ध्यान रखना पड़ेगा हमें। माजी में जो हुआ उसमें ये तो क्लियर था कि जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस है, लेकिन आज के दौर में मुस्तकबिल जो है बिल्कुल धुंधला दिख रहा है। अगर हम पूरी तरह से नज़र लगाएं तो हिमाचल प्रदेश और कई रियासतों और यूनियन टेरिटरीज़ में स्पेशल स्टेटस है, लेकिन जम्मू कश्मीर से मैं हमने वो लूज़ किया है। आज सबसे बड़ी परेशानी जो हो रही है यहाँ पे, करीब 1.5 लाख नौकरियों के स्वामी खाली हैं और वादा जो किया गया था वो एक्सपेक्टेशन के अनुकूल अगर नहीं था तो थोड़ा ही ज़्यादा था कि यहाँ बेरोज़गारी को दूर किया जाएगा, पर अगर हम ये सारी असामियाँ खाली हैं और यूटी होने के बावजूद भी खाली हैं, अब तो कोई रोक नहीं रहा किसी को, लेकिन अगर ये खाली रहेंगी तो हमारे नौजवान जो हैं वो सड़कों पे कभी आते हैं कभी जाते हैं और परेशान हालत में हैं वो। अब यहाँ की रोज़गार जो है वो दूसरे लोगों के हाथ में आ रही है और वो लोग दूर दराज में भी, अगर पोस्ट ऑफिस में आप देखें तो हमारे गांव एक तत्तापानी है एक गांव जंगड़ है, इस तरह के गांव में भी जो हैं वो कई दूसरी रियासतों के बच्चे जो हैं बच्चियां पोस्ट हो रहे हैं, लेकिन यहाँ के लोगों का बारी नहीं आ रही है। ये सेंट्रल सर्विसेज की बात है लेकिन स्टेट सर्विसेज में भी दखल हो चलिए जाएगा आस्ता जवाब आस्ता। दीजिए पठानिया जी, कि जो लोगों की मूलभूत सुविधाएं हैं, जो लोगों के हक हैं, वो भी उन्हें नहीं मिल पा रहे हैं। अशोक शर्मा जी बड़े क्वेश्चन है और एक
एक पॉपुलर नेता है, ग्रास रूट के साथ जुड़े हैं। कहते हैं मेरा इसमें एक स्पष्ट मानना है, जहां तक नौकरियों का विषय लिया अशोक जी, आपने आपके करके ध्यान में रखे कि 38,000 नौकरी जो 5 अगस्त 2019 के बाद विदाउट इंटरव्यू इनके सिलेक्शन ऑर्डर कैंडिडेट्स के घरों में, आपके गांव में भी, आपके क्षेत्र में भी जरूर लोगों को नौकरी बिना सिफारिश के, बिना किसी चैनल के जगह खाते में पड़ा होगा। जहां तक डेवलपमेंट की बात है वो तो आंकड़े हैं, और डेवलपमेंट में जितना 70 साल में जिसे कहते हैं इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर में नहीं आया, वो 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में आया। अब वो इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट को अल्टीमेटली फ्लरिश करना और दूसरा, जहां तक सिक्योरिटी सिचुएशन की बात करें, जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी नहीं होती, सालों का कैलेंडर नहीं होते, वो क्रैकडाउन बड़े बड़े 70 सालों से जो इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं हुई वो अब 2014 के बाद ही आपने देखा कि किस तरह से हुई, 2019 के बाद वो कह रहे हैं कि होना शुरू हो गई। 2014 से लेकर 2023 तक तो अभी हुकूमत जो 9 साल से है वो भारतीय जनता पार्टी की है, लेकिन एक चीज़ हमें समझनी होगी कि भारतीय जनता पार्टी के पास अगर मुद्दे नहीं हैं तो उन्होंने मुद्दे चुराए हैं। अगर आप देखेंगे कि 370 की बात करेंगे, कहेंगे कांग्रेस के टाइम में आया था, उसके बाद अगर आप देखेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करेंगे तो वो भी 84 के बाद ही उस पर इस पर बहस शुरू हो गई थी। बाबरी मस्जिद का देखेंगे वो भी कांग्रेस के टाइम पर ही, इन्होंने उसी चीज़ पर इन्होंने जो है खेलना शुरू किया भारतीय जनता पार्टी ने। आप इसके अलावा इनका अपना आइडियाज़ क्या है, इन्होंने क्या काम किया वो मैं बाद में बात करूँगा, लेकिन जहाँ तक रहा जम्मू कश्मीर का सवाल, जम्मू कश्मीर को यूटी बनाकर जम्मू कश्मीर की आवाम को भारतीय जनता पार्टी ने डिसऑनर किया, यानी कि यूटी का मतलब हो गया स्टेट से यूटी बनाने का मतलब एक छोटा सा ब्लॉक बना के रख दिया, और यहाँ पर 2018 के बाद 6 साल हो गए हैं, खुद ये कह रहे हैं कि यहाँ पर हालात ठीक हैं, पुरअमन है, टेररिज्म खत्म हो गया है, स्टोन पेल्टिंग खत्म हो गई है, लेकिन इनके अंदर इतना खौफ है कि ये इलेक्शन कराने से डरते हैं। और यहाँ पर रहा कि एक चीज़ मैं अहम कहना चाहूँगा, पठानिया साहब बैठे हुए हैं, कि जम्मू कश्मीर में जैसे फायर एंड सर्विसेज का स्कैम आया, सब इंस्पेक्टर का स्कैम आया, और जब जब वो प्रोटेस्ट करते हैं नौजवान, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता आते हैं, वो कहते हैं कि आपके सर एडमिनिस्ट्रेशन गलत कर रही है, जहां पर डेवलपमेंट की बात होती है वहां पर कहते हैं हमारी गवर्नमेंट ने ये डेवलपमेंट की है। लेकिन ये वाजिया है कि इस वक्त एलजी एडमिनिस्ट्रेशन में जम्मू कश्मीर की जो ब्यूरोक्रेसी है उसको डायरेक्टली सुपरविजन कंट्रोल किया जा रहा है, यानी कि दिल्ली से, क्यों यूटी है, तो ये इस वक्त 2-in-1 कर रहे हैं, जहां पर इनको लगता है अपोजिशन का रोल भी खुद करते हैं और जो रूलिंग है उसका भी रोल खुद करते हैं। चलिए पठानिया जी, अपोजिशन का रोल भी खुद ही कर रहे हैं और रूलिंग पार्टी का भी रोल खुद ही प्ले कर रहे हैं। मैंने कई बार विषय रखा है कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, बल्कि सिर्फ जम्मू कश्मीर की बात नहीं, आप सारे देश भर में प्रैक्टिस और प्रेसिडेंट देखें, जो गवर्नर शासन और प्रशासन होता है वो एक पॉलिटिकल तरीके से चलता है, उस शासन और प्रशासन में किसी भी पॉलिटिकल पे, ये नहीं आज बीजेपी है कल को कांग्रेस की, कहीं गवर्नर आज तक कांग्रेस का राज नहीं नहीं माना जाए, तो ये एलजी प्रशासन चल रहा है, कुछ ऑफिसर साहबान कर रहे हैं, जहां वो अच्छा काम करते हैं उसकी शाबाश करते हैं, जहां वो लोगों की एक्सपेक्टेशन पे पूरा नहीं उतर पाता या जहां कहीं गैप रहता है, जहां कहीं समझते हैं लोगों को वाकई पीड़ा हो रही है, तो वहां पे खुल के जिसे कहते हैं लोग की आवाज उठाते हैं। उसको रविंदर जी, भारतीय जनता पार्टी जहां पर आम जनता को पीड़ा हो रही है वहां पर आवाज उठाती है, जहां पर बोलने की जरूरत है वहां पर बोला जाता है। ठीक है, जम्मू कश्मीर यूटी है, केंद्र सरकार के डायरेक्ट कंट्रोल में है, पीड़ा भी देने वाले ये, मरम भी देने वाले ये, यही तो डबल रोल है इनका, पीड़ा कौन दे रहा है, और ये अपने मुंह बचाने के लिए यहाँ बयानबाजी कर लेते हैं, सारे आम दिखता है लाठियां बरसाते हुए नौजवानों पे, बेरोजगारों पे, डेली वेजर्स पे, और ये कहते हैं पिछली सरकारों के पाप है, अनएम्प्लॉयड पे, आंगनबाड़ी वर्कर पे, वृद्धा लोगों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर, तो ये अत्याचार कौन कर रहा है, लोग समझ रहे हैं, अब ये धोखे में नहीं रहेंगे कि चित्र भी मेरा, पट भी मेरा, बयान दे देंगे और भारतीय जनता पार्टी बड़ी हो गई। और बड़ा विकास आपके स्क्रीन पे अभी देख रहा था, कोई 5 मंजिला डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हाल बना है, कार्यालय है बीजेपी का, हर जिला हेडक्वार्टर पे कार्यालय है करोड़ों रुपए के,
ब्लॉक स्तर पे कार्यालय करोड़ों रुपए के, ये विकास है विकास। 70 साल में तो इनको दिखा नहीं, आजादी तो कई लोगों को 2014 के बाद दिखी, ये 2014 के बाद ही आजादी हुई है, उनको हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जम्मू कश्मीर में मुसलसल लगातार हर सरकार ने विकास किया है, चाहे उसमें चलिए पठानिया जी जवाब दीजिए कि जब जब जो भी सरकार आई है उसने विकास किया है, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी सरकार ने विकास नहीं किया है। ठीक है रविंदर जी, जिस तरह से लोकसभा की सीटों को लेकर बात हो रही है कि 6 सीटें हैं तो उस पर अगर बढ़त यहाँ भारतीय जनता पार्टी बनाती है तो वही से फ्लोर टेस्ट जो है वो देखा जा सकता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। इसलिए सबसे पहले लोकसभा के चुनाव, क्योंकि वैसे भी समय तो होने ही वाला है, लेकिन विधानसभा चुनावों से पहले लोकसभा के बारे में सोचा गया है। और बार बार जिस तरह से कहा जाता है कि हालात बिल्कुल सही हैं, तो फिर पंचायत के चुनाव हो सकते हैं, DDCs के हो सकते हैं, लोकसभा के करने के लिए सोचा जा सकता है, तो विधानसभा के चुनावों में इतनी देरी क्यों, ये भी सवाल उठ रहा है पठानिया जी। भारतीय जनता पार्टी पार्टी विद डिफरेंस कहती है, भारतीय जनता पार्टी बाकी पॉलिटिकल पार्टी की तरह सिर्फ चुनाव के वक्त नहीं बल्कि अराउंड ईयर और बल्कि पूरे 5 साल लेके बैठी। एक चुनाव का रिजल्ट की घोषणा नहीं हुई होती अभी, बल्कि दूसरे चुनाव की तैयारी कहते हैं चल पड़ती है। एक भारतीय जनता पार्टी की प्रणाली भी है और उस प्रथा को वो फॉलो करते हैं। अब नेचुरली लोकसभा चुनाव है पॉलिटिकल पार्टी की, तो उसकी तैयारी के लिए दिल्ली में एक रीजनल प्रांतीय नॉर्थ की जो बैठक जैसे आपने अभी इशारा किया उसमें चल रही है वो तैयारी की, पूरी का सिक्योरिटी और पॉलिटिकल सिनेरियो पूरे नॉर्थ को अच्छा पार्टी कर रही है। और किसी पॉलिटिकल पार्टी का बुरा भी नहीं चुनाव के लिए तैयारी करना, चुनाव के लिए लोगों के पास जाना, बना के रखना, लोगों के साथ संपर्क जो पार्टी वही अल्टीमेटली जिसे कहते हैं लोगों में चर्चा, यही बहुत बड़ा कारण है बार बार हर बार बल्कि ना सिर्फ देश बल्कि जम्मू कश्मीर में लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देने जितवा रहे हैं। तो इसी के चलते वहां बैठे हैं। मैंने आपको बोला जीते थे फिर भी ये मुझे पूरा नहीं कोई बड़े अभिमान से बड़े अरोगन से कहता हूँ कि लोगों का फिर दोबारा एक बार आशीर्वाद करते हैं। आम जनता को लुभाने की पूरी तरह से कोशिश हो रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। अशोक जी वो कह रहे हैं कि आम जनता का आशीर्वाद होना चाहिए। जनता का आशीर्वाद तो सबको लेने की जरूरत है, पर भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा लेने की जरूरत लग रही है, क्योंकि अगर हम देखें तो BPL राशन में कटौती हो गई, APL राशन जो है वो खत्म हो गया, विडो पेंशन जैसे भी यहाँ हुआ डिस्कस हुआ कि 8 महीने से नहीं है, 72 महीने से PHE के डेली वेजर को जो उनका वो डेली वेज मिलता था वो नहीं है, सड़कों की हालत, नेशनल हाईवे तो दिख रहे हैं बनते लेकिन गांव में अगर आपने जाना है तो सड़कों की हालत इतनी बेखस्ता है कि घोड़े भी नहीं क्रॉस कर सकते हैं। मैं अभी रजौरी से आया हूँ, सियोट कालाकोट रोड की हालत अगर आप दर्शा पाएँ तो बिल्कुल घोड़ा भी नहीं वहाँ क्रॉस कर सकता। तो इस तरह से कहने की तो ठीक है लुभा सकते हैं हम, अच्छी बात कर सकते हैं। पठानिया साहब ने अपनी एरिया में काफ़ी बहुत मेहनत करी है वो दिखती है, लेकिन जो टूटी फूटी आज जुटी हो गई है इसमें अगर देखें हम तो कहीं भी डेवलपमेंट नज़र नहीं आती है। पानी का मैं एक एडवर्टीजमेंट देख रहा था, उसमें कहा 100% फैमिलीज को जो है वो पानी ड्रिंकिंग वाटर मिल गया है, पर मैं जब फील्ड में हम लोग जाते हैं तो देखते हैं कि 50% से ज़्यादा स्कीम्स जो हैं ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई की वो डिफंक पड़ी हैं, और उनमें से भी जो बची 50% है उनमें 25% जो हैं वो सेमी फंक्शनल हैं, और जो फंक्शनल हैं वो 3 रोज़ या 5 रोज़ के बाद वहाँ पानी आता है। यही हाल बिजली का है, बिजली के बिल एक एक परिवार को चार चार बिल आ रहे हैं और 5-5, 6-6 गुना आ रहे हैं। तो ये फिर उधर से प्रॉपर्टी टैक्स, उधर से जमीन और मतलब मकान दुकान गिराने का काम, अगर बात की जाए तो आशीर्वाद लेना तो छोटे सवाल मुश्किल है बड़ा। हर घर से जुड़ा हुआ सवाल है पठानिया जी, बिजली पानी सड़क ये मूलभूत सुविधाएं हैं जहाँ पर सरकार की तरफ से भी दावा निकाली जा रही है लेकिन कुछ भी नहीं मिला है लोगों को। लोगों का आरोप ये है कि जो योजनाएं चलाई गई है वो जमीनी सतह तक नहीं पहुंची है, एक बात। दूसरी यहाँ पर ये है, आशीर्वाद की बात हो रही थी, भर भर के आशीर्वाद 2014 में जम्मू कश्मीर की जनता ने और स्पेशल तौर पर जम्मू की जनता ने
भारतीय जनता पार्टी को दिया 25 सीटें देकर, लेकिन उसके बाद रिएक्शन किस तरह से रहा, 28 सीटें बीजेपी के साथ कोलिशन में रहा, पीडीपी के साथ कोलिशन में रहा, लेकिन अब क्या लगता है कि आशीर्वाद किस तरह से रहेगा पठानिया जी, क्योंकि ऑपोजिशन आप लोगों पर पूरी तरह से अब हमलावर हो चुकी है। आशा जी ठीक है, अब हमें काम करना, लेकिन जो तोड़ क्योंकि आम जनता ने भरोसा जताया था पठानिया जी बीजेपी पर, 70 वर्ष हो गए देश को आजाद, लेकिन आज भी गांव क्षेत्र के क्षेत्र ऐसे थे जहां पे बिजली नहीं थी। आज पूरे देश भर में और खासकर कुछ कोई भी घर ऐसा नहीं है कि जहां पे बिजली का बल्ब, पूरे देश भर में कोई घर ऐसा नहीं है कि खासकर अपना शौचालय नहीं है, पूरे देश भर में और खासकर जम्मू कश्मीर में हर आदमी का बैंक खाता है, कोई जमींदार ऐसा नहीं जिसको के तहत 6,000 रुपया सालाना उसके खाते में बिना पिल प्रिज के, वो राजीव गांधी जी कहते थे 1 रुपया भेजता हूँ 15-15 रुपए चोरी हो जाते, ऐसा भी उसके खाते में जाता है। जहां तक पानी की बात है, हर घर जल, ये कुछ ऑफिसर साहिबान की मैं बोलूंगा कि उनकी एक लेस कहते हैं प्रोफेशनल अप्रोच की वजह से जम्मू कश्मीर में लेट चला। मुझे लगता है अगले साल के में अगर कंप्लीट हो जाए हर घर टैप वाटर और नलके का जिसे कहते हैं पानी का, तो प्रावधान तकरीबन 3,000 करोड़ रुपए के काम परिषद में इस जम्मू कश्मीर प्रदेश में कहते हैं है। बड़ी तेजी से अब पूरी उन्होंने गिनवाकर आपको बता दी है, 9 साल बेमिसाल जो रहे हैं, लोगों के घरों तक पानी किस तरह से पहुंचा, हर घर में बल्ब किस तरह से पहुंचा है और कैसे भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, उन्होंने पूरी तरह से आपको गिनकर बताया यासिर जी। लेकिन ये भी देखना होगा जो पिछले 9 साल में विकास हुआ है, जिस जगह आप देखें कि 2018 के बाद खासकर हम देखेंगे जो जब से जम्मू कश्मीर में एलजी एडमिनिस्ट्रेशन आई है, आप देखें जहाँ पर ड्रग्स था, ड्रग्स में हर साल कितनी डेथ हो रही है आंकड़ा सरकार के पास है, इनको खुद ही मालूम है, कहीं गुना जो ड्रग्स माफिया सप्लायर्स और उसका बहुत ज़्यादा नेटवर्क जो है वो स्ट्रांग हो गया। और इवन जम्मू कश्मीर इस वक्त जाना जाता है नॉर्थ इंडिया में हब ऑफ ड्रग्स, क्योंकि ड्रग्स का नार्को टेररिज्म भी एक लिंक्ड है, बट लेकिन ग्राउंड में इतना ड्रग्स माफिया कैसे स्ट्रांग हुआ। दूसरी चीज मैं ये कहूंगा कि अगर ये विकास कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जिस मोहल्ले में 2 दुकानें थी शराब की, इन्होंने इतने लाइसेंस इशू कर दिए सरकार के बीच में, आप देखें वहां पर 4-4 शराब की दुकानें खुल गई हैं, तो ये विकास कहते हैं आप। उसके बाद आप देखें यहां पर जो पार्किंग दी गई, अब मैं जम्मू शहर की बात करूंगा, हम ज्यादा दूर भी नहीं जाएंगे, यहां पर पार्किंग दी गई है, कुछ लोग यूपी या दूसरी स्टेट से, आप ये बोलेंगे हर जगह से ले सकते हैं, मैं वो उस पर नहीं करूंगा। क्या जम्मू कश्मीर के लोग सिर्फ पर्ची काटने के लिए रह गए हैं, पार्किंग टंडन जो है वो बाहर वगैरह लोग लगाएंगे आकर, अगर ये इसको विकास कहते हैं। अब अगर ये कह रहे हैं कि नई स्कीम आ रही है जी 5 मरले, जिसके पास घर नहीं है उसको 5 मरले दिया जाएगा, लेकिन उसमें वाजिया अल्फाज में नहीं है कि जम्मू कश्मीर में पहली बात है बहुत कम लोग हैं जिनके पास छत नहीं है, चाहे कच्चा छत है लेकिन रहते जरूर हैं, लेकिन उसमें वाजिया अल्फाज में नहीं कहा गया कि जम्मू कश्मीर के ही लोगों को जो गरीब यहाँ के लोग हैं अफलास में रहते हैं उन्हीं को दिए जाएंगे। तो दोगलापन जो है इस वक्त जो सरकार जो कर रही है, मैंने आपको पहले भी कहा कि जब भी इलेक्शंस आते हैं ये कुछ ऐसे मुद्दे उठाती है जो सेंसिटिव होते हैं, और कुछ मुद्दों में जो लोगों की गलती ऐसी होती है कि इनको ट्रोल करने की कोशिश करते हैं, ये उसका डायरेक्टली फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, मुद्दों को उठाती है भारतीय जनता पार्टी जब भी चुनाव आते हैं। मैंने धारा 370 में बड़े परिपेक्ष से बात की कि नेहरू की संसद में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बोले मोरारजी देसाई, बोले नरसिम्हा राव, बोले हर जहां तक यूनिफॉर्म सिविल कोड भी मेरे पिछले बात है, भारत के संविधान में लिखा गया है धारा 44 सेक्शन 44 जो भारत और जिसमें कोई जान माल तो छोड़े एक डंडा भी किसको मारा, तो वी बिलीव इन जो पिछले 7 दशकों में ना हो उस इशू को सेटल करना, उस इशू को वंस फॉर ऑल जिसे कहते हैं क्लोज करना। और ये जो बाकी मैं आपको बताऊं, वी आर नॉट सिर्फ एक सरकार बनाई और दूसरी सरकार बनानी, भारत 2047 का एक विजन लेके भारतीय जनता पार्टी आई है कि 100 वर्ष आजादी के भारत कहां खड़ा होगा, भारत में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी और वर्ल्ड के नंबर 3 के टारगेट, एक प्रधान भारत एक एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर, भारत में एक ग्रीन फॉरेन अफेयर्स की जनता पार्टी, रविंदर जी मिल जाए तो हम भी कुछ है, लेकिन देखा ये क्या
कि वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी तो अमर हो गए कि उनका इन्होंने दफ्तर बना दिया, बुत लगा दिया, लेकिन जनता बेघर हो गई, बेरोजगार हो गई। और नौजवानों को पिछले 9 साल से आप ये आंकड़े बताएं, जनता के बीच में कितनी नौकरियां लगी, किसी लिस्ट से कैंसिल हुई। सबसे पहला मुद्दा जो है कि बेरोजगारी और युवाओं का है। वादा किया था तमाम वो लोग जो टेम्परेरी है, डेली वेजर्स है, नीड बेस्ड है, अडाप्ट है, कंट्रेक्चुअल है, एसपीओ है, आंगनबाड़ी वर्कर्स है, हेल्पर्स है, डिफरेंट कैटेगरीज के और लोग हैं, उनके साथ इन्होंने क्या इंसाफ किया। दूसरा वायदा खिलाफी और जो जुबला निकला। और सबसे बड़ी बात यह है कि वन टैक्स वन नेशन की बात करते हैं, लखनपुर में आज भी जाइए, जितने टोल प्लाजा जम्मू कश्मीर में और इस जम्मू में है, ये कश्मीर के अंदर एक टोल प्लाजा है और आप अखनूर में भी लगने वाला है, उसके आगे सुंदरबनी में भी। पठानिया जी, क्या आने वाले समय में लोगों को राहत मिल सकती है, क्योंकि अगर लोकसभा चुनावों को लेकर जिस तरह से बैठकें हो रही हैं, लोकसभा चुनाव में फायदा हासिल करने के लिए हर एक पार्टी अपनी पैठ यहां पर बनाने की कोशिश करेगी और अपनी जीत और मेहनत करेगी, क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आने वाले समय में कोई बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं, क्योंकि जिस तरह से लोकसभा की सीटों में यहां पर बदलाव भी हो सकता है, बीजेपी के पाले में कितनी जाएंगी, ये फ्लोर टेस्ट आप लोगों की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन क्या बड़े ऐलान कोई हो सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी 2014 सबसे ज्यादा वोट शेयर लेने वाली पार्टी है, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे वो जिला विकास परिषद के चुनाव हो। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 2024 द्वारा भारतीय जनता पार्टी मैक्सिमम जम्मू कश्मीर से मैक्सिमम सबसे ज्यादा से ज्यादा जिसे कहते हैं लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी देश भर में और प्रत्येक जम्मू कश्मीर की जीतेगी। और जम्मू कश्मीर के लोगों ऐसे नहीं, मैंने कहा कि आउट ऑफ दंडता में कह रहा हूँ, बड़ी विनम्रता के साथ कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी जो पॉलिसी और वो जो प्रोग्राम है उनका एक सीधा संपर्क लोगों के दिल के साथ, लोगों के मन के साथ, सीधा संपर्क जो है वो साधने की कोशिश कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। अशोक जी बहुत बड़ी लीड से जताएंगे हमारी जम्मू कश्मीर में और खास करके जम्मू में 4 किस्म के मंदिर हैं। एक तो जम्मू को मंदिरों का शहर कहा जाता है और यहाँ बहुत भारी संख्या में मंदिर हैं। क्या इसमें शक है कि हर मंदिर के पास शराब की दुकान खुल गई है? दूसरे तरह के मंदिर जो हैं हमारे पढ़ाई के मंदिर हैं, स्कूल हैं। क्या स्कूल में स्टाफ है जो पढ़ा ले सरकारी स्कूल कॉलेज में? नहीं है। तीसरा मंदिर है दवाई का मंदिर, यहाँ से इलाज मुआलजा होता है। क्या पूरी तरह से हमारे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, सीएचसीज, पीएचसीज और सब सेंटर इक्विप हैं? ऐसा नहीं है। और चौथा मंदिर है जमहूरियत का मंदिर, उसको भी बंद करके रखा हुआ हमने, ठीक है। तो चारों मंदिरों को जो है वो बंद करके हम कौन सी पूजा कर रहे हैं? ठीक है, या सर जी, अगर इतना ही अतमाद है भारतीय जनता पार्टी को तो मुझे लग रहा है कि इसी साल इनको चुनाव जो है असेंबली करवा लेना चाहिए और उनको सामने वाजह हो जाएगा कि हकीकत क्या है। दूसरी चीज ये मैं कहना, एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा पठानिया साहब को कि यूसीसी में अगर आप करना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप कह रहे हैं वन नेशन, क्या आप मुझे बताएं, आप अपनी पार्टी के एक सीनियर नेता भी हैं, स्पोक्स पर्सन भी हैं, क्या जो हिंदू जो लॉज हैं जो कोडिफाइड है क्या उसको एबॉलिश करेंगे? वो यूनिफॉर्म सिविल कोड में ही सब आएंगे, ये क्लियर कर दें थोड़ा सा। रविंदर जी, मुझे क्या सवाल सुन नहीं पाया, क्लोजिंग में एक सा कमेंट कीजिए इस पे जो पूरी डिबेट चल रही है उस पर कुछ कहना चाहते हैं पठानिया जी से, जाते जाते कोई सवाल करना चाहते हैं आप? देखिए, सवाल जो मुद्दा आपने उठाया आशा जी, उस पे तो पठानिया जी आए नहीं, क्योंकि बात यह है कि ये घबराहट क्यों है और सबसे बड़ी बात यह है कि असेंबली चुनाव से क्यों भाग रही है भारतीय जनता पार्टी। आप सारे चुनाव करवाने को तैयार हो लेकिन असेंबली चुनाव के लिए समय माकूल नहीं है, हालात अनुकूल नहीं है, बाकी तमाम चुनाव, तमाम गतिविधि, G20 सारी चीजों के लिए अनुकूल है। चले ठीक है, पठानिया जी ओवरऑल सबका जवाब दीजिएगा। यूसीसी को लेकर यासिर जी ने जो सवाल किया है कि क्या एक ही मंच पर यह सारा काम होगा? 4 मंदिर उन्होंने गिना दिए हैं अशोक जी ने, और असेंबली इलेक्शंस कब तक होंगी, चुनावों में इतनी देरी क्यों, रविंदर जी कह रहे हैं? विधानसभा चुनाव जब
इलेक्शन कमीशन का एक डोमेन है, लेकिन ये उम्मीद लगती है होंगे और भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड स्पष्ट है, हम जम्मू कश्मीर में जल्दी चुनाव के सपोर्ट के हाथों। जहां तक यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात है, से एक हिंदू मुस्लिम पारसी या सिख या जैन या बौद्ध भी उसके पर्सपेक्टिव से ना, ओवरऑल भारत का संविधान कहता है कि इक्वल हैव टू बी इक्वल। तो एक एडॉप्शन को लेके, मेंटेनेंस को लेके, मैरिज को लेके, डिवोर्स को लेके, डाइवर्सिटी को, तो इसमें क्या कुछ बेसिक पॉइंट, यदि वो एक कानून होगा सबके लिए, कुछ बेसिक पॉइंट पे क्या यूनिफिकेशन हम ला सकते हैं कि नहीं ला सकते, ये सरकार का कोशिश है। और जो हमारे संविधान निर्माताओं, विधानसभा चुनाव आने वाले समय में जल्द देखे जा सकते हैं, क्योंकि लोगों को एक बड़ी राहत उसी से होगी पठानिया जी, और कब तक कुछ ऐलान हो सकता है? डेट इलेक्शन कमीशन करेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जल्द चुनाव। बहुत बहुत धन्यवाद पठानिया जी जुड़ने के लिए, अशोक जी आपका भी, यासिर जी आपका भी, और रविंदर जी आपका भी जुड़ने के लिए। लेकिन फिलहाल आज भी पिक्चर क्लियर नहीं हो पाई है कि विधानसभा के चुनाव जल्द होंगे या नहीं, लेकिन फिलहाल लोकसभा चुनावों को लेकर सरगर्मियां पूरी तरह से तेज होती नजर आ रही है जम्मू कश्मीर के अंदर। आम जनता अब कहां पर किस तरह से अपना रोल प्ले करेगी वो बेहतर तरीके से जानती है, और आने वाला समय बताएगा कि आखिर गेंद किसके पाले में आम जनता ने डाली है, क्योंकि जनता जनार्दन है। आप देखते रहिए कार्यक्रम।